हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं बिरेन और आप देख रहे हैं ट्राई टू बेस्ट यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि हैबी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके लिए जो आईटीआई कर चुके हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं। और आपको बता दें कि HEC बहुत समय बाद ऐसा मौका आप लोगों को दे रही है, तो ज़रूर से इस फॉर्म को अप्लाई करें। और इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि क्या कौन सी वैकेंसीज निकली है उसके बारे में आपको मैं डिटेल्स में बता पाऊं। तो यहां पे मेंशन किया हुआ है नीचे व्हाट्स न्यू पर कौन सा फॉर्म वैकेंसी निकला है इसके बारे में। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला एडवर्टीजमेंट नंबर RT/15/2018 डेटेड 8 दिसंबर 2018, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए क्या क्या इसमें डिटेल्स क्राइटेरिया है सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप वीडियो ध्यान से देखिए और पूरी देखिए ताकि आपको सारे डिटेल्स में समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ताकि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिक और ITI, मतलब दोनों होना चाहिए, मैट्रिक और ITI। और आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। उनमें से क्या क्या ट्रेड है ITI ट्रेनिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, फॉर्जर कम हीट ट्रीटर है, फाउंड्रीमैन, मोल्डर, वेल्डर, ये सारे के सारे यहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड है ये सारे के सारे यहाँ पर दिखाया गया। और डिप्लोमा ट्रेड के लिए मैकेनिकल है, सिविल है, मेटलर्जी है, इलेक्ट्रिकल है। इसमें सबसे मुख्य बात ये है कि आपको जो है ये कंपनी आपको ले लेगी नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के रूप में, मतलब आपको यहाँ पे 3 साल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। 3 साल, ऐसा नहीं है कि 3 साल करने के बाद आपको परमानेंट हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे कोई लिखा हुआ नहीं है। आपको यहाँ पे लेगी कंपनी 3 साल के लिए। आपका मैक्सिमम एज यहाँ पे बताया गया है 28 ईयर्स ITI वालों के लिए, और डिप्लोमा वालों के लिए भी 28 ईयर्स है। यहाँ पर मैंशन किया हुआ है कि 3 ईयर्स के लिए आपको लिया जा रहा है। आपका पेमेंट क्या होगा, फर्स्ट ईयर में आपका पेमेंट होगा 6000, सेकंड ईयर में आपका पेमेंट होगा 7000, उसके बाद 8000। इस टाइप से आपका सैलरी प्रोवाइड करेगी HEC कंपनी जो रांची में है। और डिप्लोमा वालों के लिए फर्स्ट ईयर पेमेंट होगा 8000, सेकंड ईयर होगा 9000 और थर्ड ईयर होगा 10000। इस टाइप से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पर्सनल ट्रेनिंग का 18 वैकेंसीज है। यहाँ पर क्या क्या है इसका क्वालिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, यहाँ पे सारा का सारा मेंशन किया हुआ है क्या क्या डिग्री होनी चाहिए ताकि आप पर्सनल ट्रेनिंग में आप अप्लाई कर सकते हो। ये भी 3 साल के लिए है, और इसका भी मैक्सिमम ईयर है एज 28, और इसका भी फर्स्ट पेमेंट है फर्स्ट ईयर का 10000, सेकंड ईयर 11000, उसके बाद थर्ड ईयर 12000। और इसमें बहुत सारा है, जैसे कि फाइनेंस ट्रेनिंग है, IT ट्रेनिंग है। आप देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है यहाँ पर टोटल 150 वैकेंसीज़ हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं फाइनेंस ट्रेनिंग और पर्सनल ट्रेनिंग के लिए आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए, और IT ट्रेनिंग के लिए आपके पास B.tech इन IT में होना चाहिए या फिर MCA की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सारा डिटेल्स, कैसे सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है गाइस। और आपका यहाँ पे फ़ी कितना लग रहा है ये सबसे बड़ी बात है। आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 800 रुपये आपको पे करना होगा, और SC ST और फिजिकल विथ डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे फ़ी माफ़ किया गया है, उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। ट्रेनिंग स्कीम क्या क्या है, दिस इज़ प्योरली ए ट्रेनिंग स्कीम ओनली, ये जॉब नहीं है, आप ये कह सकते हैं ये ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग के तौर पर आपको 3 साल के लिए कंपनी आपको ले रही है। आपको क्या क्या करना है, कैसे फिल करना है ये भी देख लीजिए। एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ HEC लिमिटेड, टू अप्लाई लॉग ऑन टू HEC Limited. इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से सीधे आप जा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म अगर नीचे कमेंट करोगे कि ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो मैं फ़िलअप करके भी बता दूंगा, और आप ऐसे खुद से फ़िलअप कर सकते हैं मोबाइल से। इसमें क्या क्या लगेगा फ़िलअप करने के दौरान, आपका होना चाहिए वैलिड सेल्फ ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, स्कैंड कॉपी ऑफ रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड। यहाँ पे एक नोटिस आप कीजिएगा कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, जो भी फ़ोटो आप इसमें आप अपलोड करेंगे फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। फोटोग्राफ
कितना साइज़ का होना चाहिए और किस फॉर्मेट का होना चाहिए, इस बात पर भी आपको ध्यान देना होगा। इस फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और 20 से 50 KB के अंडर होना चाहिए उसका साइज़। और मैं आपको बता दूं, अगर फ़ोटो सिग्नेचर का साइज़ आपको मोबाइल में कैसे बना सकते हैं, तो उसका भी मैंने एक वीडियो बना चुका है पहले, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं कि फ़ोटो सिग्नेचर कैसे मोबाइल में रिसाइज किया जाता है। और सिग्नेचर यहाँ पे और एक नोटिस करने वाली बात है कि सिग्नेचर आपको ब्लैक इंक यानी ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और 10 से 20 KB के अंदर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो काइंडली रिक्वेस्ट कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ कैसे मोबाइल में रिसाइज कर सकते हैं, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे और एक बात है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 18 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और क्लोजिंग डेट है 8 जनवरी 2019, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रेमिटेंस ऑफ प्रोसेसिंग फी चार्ज इन बैंक ये 10 जनवरी 2019 तक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पेमेंट डिटेल्स इन ऑनलाइन पोर्टल फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑनली 10 जनवरी 2019 है। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल लेटर ऑन वेबसाइट या ईमेल आईडी 10 to 15 days बिफोर द डेट ऑफ रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, टास्क ऑब्जर्वेशन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड आपकी ईमेल पर या फिर वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है गाइस। हेलो फ्रेंड्स, अगर इस तरह के वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, वंदे मातरम।